वर्ल्ड के टॉप 1% लोगों की चार सबसे बड़ी क्वालिटीज़ जिसे मैंने सीखा है इंडिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी से। वेलकम बैक दोस्तों, 100 डेज के कम्युनिकेशन चैलेंज के 12वें दिन में आपका स्वागत है। और आज मैं बात करूंगा कि वर्ल्ड के टॉप 1% लोगों की चार सबसे बड़ी क्वालिटीज़ क्या क्या होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। नंबर एक, दे आर जियोग्राफिकली डिटैच्ड, मतलब वो लोग किसी भी जगह से प्यार नहीं करते हैं और किसी भी जगह से इमोशनली अटैच नहीं होते। बिकॉज उन लोगों को जगह से प्यार नहीं होता, उन लोगों को ग्रोथ से प्यार होता है, अपॉर्चुनिटीज से प्यार होता है, सक्सेस से प्यार होता है। उन लोगों को जहां अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लोग वहां चले जाते हैं। नंबर टू, दे हैव अनरीजनेबल कंसिस्टेंसी, मतलब वो लोग कंसिस्टेंसी के सबसे बड़े फॉलोअर्स होते हैं। उन लोगों के पास अनरीजनेबल कंसिस्टेंसी होती है। कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा एग्जांपल जिसे मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा से सुना है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं कि पत्थर पे पानी की बूंद गिरी टप 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 ऐसे गिरते 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 एक साल, दो साल, तीन साल, ऐसे सालों साल गिरती है और एक दिन पत्थर को चीर देती है। सोचिए दोस्तों, पानी की एक छोटी सी बूंद इतनी कमज़ोर जो एक मजबूत पत्थर को तक तोड़ देती है। और वहीं आप एक पत्थर में एक दिन 2 बाल्टी पानी लाकर गिरा दो, दूसरे दिन 10 बाल्टी पानी लाकर गिरा दो और 10वें दिन ले जाकर 40 बाल्टी पानी लाकर गिरा दो, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी का एक और बड़ा एग्जाम्पल, एक कुएं में रस्सी के सहारे बाल्टी से हम लोग पानी निकालते हैं। रस्सी कुएं के दीवार के मुकाबले कमज़ोर होती है, बट सालों साल से घिस घिस करके कुएं के दीवार पर रस्सी का दाग आ जाता है। सोचिए दोस्तों, यह है कंसिस्टेंसी का पावर। और नंबर तीसरा, देयर एबिलिटी टू डीप वर्क। डीप वर्क को आप फोकस भी कह सकते हैं। एक बार वॉरेन बफेट और बिल गेट्स किसी एक पार्टी में गए थे तो दोनों से उनके सक्सेस का कारण पूछा गया। तो दोनों ने अलग अलग एक पेपर पर अपना कारण लिख के दिया और दोनों के पेपर पर लिखा हुआ था फोकस। अगर फोकस का आपको पावर जानना है तो आप किसी सक्सेसफुल लोगों के पास चले जाइए और उनसे पूछिए, वो लोग आपको बताएंगे कि फोकस का क्या पावर होता है। फोकस का इतना पावर होता है कि आप 10 घंटे का काम 2 घंटे में कर सकते हो। यू नो, आपकी एबिलिटी की फोकस, आपकी फोकस की एबिलिटी डिसाइड करती है कि आप लाइफ में कितना आगे जाने वाले हो। सो फोकस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और नंबर चौथा, दे हैव गोल ड्रिवन कम्युनिटी। उन लोगों के पास जो कम्युनिटी होती है, वो लोग जिस कम्युनिटी में रहते हैं, वो लोग सारे गोल्स के बारे में सोचते हैं, सक्सेस के बारे में सोचते हैं, अचीवमेंट के बारे में सोचते हैं, ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। उन लोगों के पास हमेशा बड़ी बड़ी कम्युनिटी होती है और वो लोग उस कम्युनिटी में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं जहाँ पर लोग आगे बढ़ने की बातें करते हैं, डेवलपमेंट की बातें करते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इम्पॉर्टेंट फीडबैक ज़रूर दें ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। और मेरी इस जर्नी को सपोर्ट करने के लिए आप लोग अपने भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।